Did I get so flash? तो भाइयों कैसे हैं आप लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बिकॉज ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई बिकॉज ऐप्स पे वर्क कर रहे थे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर वीक एंड्रॉयड ट्यूटोरियल की एक ना एक वीडियो तो ज़रूर डालूं। तो लास्ट वीडियो में आप लोग ने सीखा एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के बारे में एंड हेलो वर्ल्ड की ऐप कैसे रन कराएं एंड उसमें बटन की फंक्शनिंग कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कार्ड्स में वो वीडियो आ रही होगी एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए उसी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं एंड या ये प्रोजेक्ट में मैं जितना भी वर्क करूँगा वो सब मैं GitHub पे पुश कर दूंगा, उसकी लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो पे ओपन करके भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेआउट से टेक्स्ट व्यू एंड बटन हटा देता हूँ बिकॉज आज मैं आप लोग को एक बेसिक सा कैलकुलेटर बनाना बताऊँगा जो कि दो नंबर्स को ऐड करेगा। बहुत ही सिंपल सी ऐप है, इस ऐप के लिए आप लोग को थोड़ी सी जावा आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग टेक्स्ट से स्विच करके डिज़ाइन में चले जाइए बिकॉज बिगिनिंग के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप वुड बी ईजियर फॉर यू। जब एक बार इसमें आप लोग को सब समझ में आ जाएगा आप लोग टेक्स्ट पे स्विच कर जाइए बिकॉज कोडिंग अ लेआउट इज़ लॉट मोर ईजियर देन ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सबसे पहले अपने लेआउट में एक प्लेन टेक्स्ट डालिए, देन उसके बाद उसके नीचे एक और प्लेन टेक्स्ट डालिए। बेसिकली ये एडिट टेक्स्ट हैं, इसमें दो नंबर आप लोग इनपुट करेंगे या यूज़र इनपुट करेगा जिसको हम लोग को ऐड कराना है। देन उसके बाद उसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू को ऐड कराइए जो कि रिजल्ट शो करेगा एंड उसके नीचे बटन डाल दीजिए जिसके प्रेस करने से आपको रिजल्ट शो होगा। अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ रहा होगा अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी। तो अब एडिट टेक्स्ट में जाइए एंड उसमें नेम को रिमूव करके हिंट में जाके जो डिजायर टेक्स्ट आप लिखना चाहते लिख सकते हैं। हिंट बेसिकली करती क्या है, एडिट टेक्स्ट में एक हिंट लिख के आ जाएगी कि क्या इनपुट करना है आपने। ऐसे ही आप एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड कुछ टाइप करेंगे हिंट ऑटोमेटिकली डिसअपीयर कर जाएगी एंड देन एडिट टेक्स्ट का इनपुट टाइप हम लोग नंबर सिलेक्ट कर देते हैं ताकि इस पर और कोई चीज़ हम एंटर ही ना कर सकें। आप लोग को मैं लाइव एग्जांपल में दिखाऊंगा बिकॉज नेक्स्ट वाले एडिट टेक्स्ट का मैं नहीं चेंज करूंगा। नेक्स्ट वाले एडिट टेक्स्ट में भी कुछ ऐसे ही कर दीजिए एंड देन टेक्स्ट व्यू में जाके उसमें से सारा टेक्स्ट रिमूव कर लीजिए। एंड देन बटन के ऑन क्लिक पे बटन डालिए एंड बटन का नेम चेंज करके जो आप रखना चाहते रख दीजिए। एंड क्योंकि ये कॉन्स्टेंट लेआउट है, कॉन्स्टेंट लेआउट बेसिकली वर्क कैसे करता है ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा लेआउट्स जब समझाऊंगा। फिलहाल जो भी इनपुट टेक्स्ट एंड टेक्स्ट व्यू आपने रखा है उसको उसी जगह पे रखे रहने के लिए ऊपर एक छड़ी का आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए। बस यहाँ पर हमारा लेआउट का काम ख़त्म। अब चलते हैं हम लोग जावा पे जहाँ पर हम लोग इसकी मेन फंक्शनिंग पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाहर एडिट टेक्स्ट दोनों एडिट टेक्स्ट को इनिशियलाइज़ करा देते हैं एंड देन हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया था टेक्स्ट व्यू को भी इनिशियलाइज़ करा देते हैं। बटन को इनिशियलाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसको डायरेक्ट ऑन क्लिक से हम लोग कॉल करेंगे, वो मैं अभी आप लोग को करके दिखाता हूँ। इनिशियलाइज़ कराने के बाद अब हमें जावा में बताना होगा कि इस वाले एडिट टेक्स्ट पे कौन सा लेआउट वाला एडिट टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। तो लेआउट में एडिट टेक्स्ट पे एक आईडी होगी, दोनों एडिट टेक्स्ट की आईडीज देख लीजिए एंड देन इस पे इनिशियलाइज कराइए ऑन क्रिएट पे बिकॉज हमें प्रोग्राम को तुरंत बताना होगा कि इस वाले एडिट टेक्स्ट पे यही चाहिए। उसके लिए हमको एक्टिविटी के क्रिएट होते ही एडिट टेक्स्ट को इनिशियलाइज करा देना है। तो कुछ ऐसा लिखेंगे एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट देन फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट की आईडी। इसकी इंटेलिजेंस आप लोग को ऑटोमेटिकली बता देगी कौन सा एडिट टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। बस दूसरे वाले में भी सेम कर दीजिए, बस एडिट टेक्स्ट का नाम एंड आईडी चेंज कर दीजिए। देन चलते हैं टेक्स्ट व्यू पे, टेक्स्ट व्यू में भी कुछ ऐसे ही कर दीजिए
तो अब बेसिकली हमने जावा में बता दिया कि ये वाला एड टेक्स्ट इसका है, ये वाला एड टेक्स्ट उसका है, एंड ये वाला टेक्स्ट व्यू इसका है। तो अब हम लोग एक ऑन क्लिक का फंक्शन बनाएंगे, जो कि बेसिकली काम क्या करेगा, जैसे ही बटन दबेगा वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऑन क्रिएट के बाहर जाके लिखिए पब्लिक वॉइड बटन। बटन इसलिए क्योंकि XML में याद करिए हम लोग ने बटन के ऑन क्लिक पे बटन नाम रखा था। देन ब्रैकेट ओपन करके व्यू व्यू इनिशियलाइज करा दीजिए। जब भी आप लोग फंक्शन से ऑन क्लिक कॉल कराएंगे आप लोग को व्यू व्यू इनिशियलाइज कराना ही है, नहीं तो बटन के क्लिक पे ऐप क्रैश कर जाएगी। तो अब ये जो मैं करने जा रहा हूँ इसके लिए आप लोग को बेसिक जावा की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर हम लोग को कोई कैलकुलेशन करानी है तो उसमें अल्फ़ाबेट तो यूज़ कर नहीं सकते, बिकॉज ए और बी को तो प्लस कर नहीं सकते ना। तो कंप्यूटर को हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये जो नंबर है इसका फाइल टाइप ये है। कंप्यूटर समझ जाएगा अगर यही फाइल टाइप है देन वो उसको ऐड कराएगा। तो बेसिकली इस चीज़ में आप लोग को डेटा टाइप्स का टॉपिक जावा में पता होना चाहिए। तो क्योंकि इसमें नंबर्स हैं एंड नंबर्स में डेसिमल नहीं है, उसके लिए हम लोग लेंगे इंटीजर। इंटीजर को इनिशियलाइज कराने के लिए int यूज़ करके स्पेस करके उसके सामने जो जो टाइप का इंटीजर आपको चाहिए वो लिख दीजिए नाम। तो बेसिकली हमको तीन चाहिए, एक तो नंबर, एक तो फर्स्ट नंबर जो कि यूज़र ने इनपुट किया, एंड एक सेकेंड नंबर जो कि यूज़र ने इनपुट किया, एंड एक रिज़ल्ट जो कि हमको एक्वायर होगा फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ऐड कराने से। तो ये हमने इनिशियलाइज करा दिया। अब चलिए फर्स्ट नंबर में हम लोग स्टोर कराते हैं जो एडिट टेक्स्ट पे यूज़र ने फर्स्ट नंबर लिखा है। उसके लिए हम लोग बेसिक सी एक लाइन लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये देखिए इसमें एक लाइन आ रही होगी, बिकॉज फर्स्ट नंबर का जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर, बट एडिट टेक्स्ट से हमको जो डाटा मिल रहा है वो अभी अनडिफाइंड है, तो अभी हमको उसको डिफाइन करना होगा। तो चलिए अब हम उसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में। किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली ये लाइन लिखिएगा, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ के अंदर जो जो भी आप डाटा डालेंगे वो कन्वर्ट कर देगा, बट बेसिकली ये स्ट्रिंग को ही कन्वर्ट करती है, तो इसीलिए अभी भी इसमें रेड मार्क है। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए उसके आगे बस डॉट टू स्ट्रिंग लगा दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। स्ट्रिंग क्या है ये भी आप लोग को जावा में पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से सेकेंड नंबर में भी वैल्यू स्टोर करा दीजिए, बस एडिट टेक्स्ट का नेम चेंज कर दीजिएगा। एंड देन रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग एक एल्गो लगाएंगे। एल्गो क्या है, रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर सेमी कोलन। एंड यार सेमी कोलन डालना ना भूलिएगा, बिकॉज एक सेमी कोलन के चक्कर में दो दो दिन बैठा हूँ मैं, बट एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत स्मार्ट है, ये आप लोग को एग्जैक्टली बता देगा कहाँ एरर आ रही है वो लाइन रेड करके। तो अगर आप लोगों को एरर फेस कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए कहीं ना कहीं रेड मार्क लगा होगा। तो देखिए अब हम लोग ने रिजल्ट में वैल्यू स्टोर करा दी, अब हमको उसको डिस्प्ले करानी है। डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट व्यू जो कि हमने ऊपर इनिशियलाइज कराया था। तो डिस्प्ले कराने के लिए टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट के अंदर हम लोग रिजल्ट डाल देंगे। बट अभी भी एक गड़बड़ है जो कि इंटेलिजेंस हमको नहीं बता पा रही। एंड मैं आप लोग को एक चीज़ बताना भी भूल गया, एंड्रॉयड में या जावा कोई भी प्रोग्राम में अगर आप लोग को GUI में कोई भी वैल्यू शो करनी है तो वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए। अगर आप इंटीजर में शो करेंगे या डबल फ्लोट किसी में भी शो करेंगे तो आप लोग को एरर आएगी। चलिए मैं शो करके दिखाता हूँ, अभी मैंने इसको इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया है। ऐप रन कराते हैं, तो ये देखिए ऐप रन कर गई। अब फर्स्ट नंबर पे अपना कोई पहला नंबर डाल दीजिए एंड देखिएगा फर्स्ट नंबर में जो कीबोर्ड खुला है वो नंबर वाला खुल रहा है, बिकॉज हमने इनपुट टाइप असाइन किया था नंबर। एंड चलते सेकेंड नंबर पे, उसमें देखिए फुल क्वालिटी कीबोर्ड खुल रहा है, बिकॉज उसमें हमने नहीं असाइन किया था, बट स्टिल वैल्यू वो भी पकड़ लेगा। बस जब आप दोनों नंबर डालने के बाद ऐड नंबर पे क्लिक करेंगे तुरंत आपकी ऐप क्रैश कर जाएगी, बिकॉज एंड्रॉयड की ऐप को जो वैल्यू डिस्प्ले करनी है वो उसको चाहिए स्ट्रिंग में, बट प्रोग्राम आपका उसको दे रहा है इंटीजर में। तो इसीलिए अब उस इंटीजर की वैल्यू को हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सेम इंटीजर की तरह ही कन्वर्ट होगा, बस उसमें इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ की जगह स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ लिख के अंदर वही अपना इंटीजर डाल देना है। अब आप ऐप रन कराएंगे तो आपका आंसर टेक्स्ट व्यू पे डिस्प्ले करेगा। एक हफ्ते तक आप लोग एक्सपेरिमेंटेशन करिए इसके साथ। इसी कॉन्सेप्ट पे आप एक फुल फ्लेज्ड कैलकुलेटर भी बना सकते हैं।
विदाउट एनी साइंटिफिक फंक्शंस। तो एक वीक के बाद मैं इसी टॉपिक पे एक और नई वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप लोग को कोई सी भी क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ट्राई आवर एप्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा।